प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्रोसेसिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ ए कंपनी, यानी कि अकाउंटिंग साइकिल वो प्रोसेस होता है जिसमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और प्रोसेस किया जाता है। कब से लेकर कब तक? फ्रॉम व्हेन ट्रांजेक्शन अकर्स टू इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू क्लोजिंग द अकाउंट, यानी कि जब से ट्रांजेक्शन अकर हुई है तब से लेकर उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करने तक जो भी सारा प्रोसीजर होता है उसे अकाउंटिंग साइकिल कहा जाता है। अब अकाउंटिंग साइकिल में 8 स्टेप्स होते हैं, चलिए देखते हैं कौन से स्टेप्स हैं। तो पहला तो है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन्स, दूसरा है रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल, तीसरा है पोस्टिंग टू लेजर, चौथा है ड्राफ्टिंग ऑफ अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, पांचवा होगा पासिंग ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज, छठवां होगा ड्राफ्टिंग ऑफ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, सातवां होगा क्लोजिंग ऑफ बुक्स और आठवां होगा ड्राफ्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए अब इनको इन डेप्थ समझते हैं। अब आपके मॉड्यूल में इसको एक चार्ट के रूप में दे रखे हैं, जैसे कि सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन, फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में, उसके बाद पोस्टिंग टू लेजर, देन ड्राफ्टिंग अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, देन एडजस्टमेंट एंट्रीज बनाएंगे, देन ड्राफ्टिंग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, देन क्लोजिंग द बुक्स एंड देन ड्राफ्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देन अगेन आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन। तो इस तरह से कुछ अकाउंटिंग साइकिल हमारा चलता है। अब पहला तो स्टेप है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन, तो सबसे पहले तो ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप आपका होगा रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जनरल, ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद उनको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा। देन कम्स थर्ड स्टेप, दैट इज पोस्टिंग टू लेजर। इन द नेक्स्ट स्टेप द ट्रांजेक्शन इज पोस्टेड इन अ समराइज एंड क्लासिफाइड मैनर टू डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ लेजर। अब लेजर अकाउंट क्या होते हैं वो मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब उसके बाद क्या होता है, लेजर के बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में डाला जाता है और चेक किया जाता है कि कोई एरर तो नहीं है, उसके बाद उन एरर्स को ठीक किया जाता है। और फिर वही पांचवें स्टेप में आएगा कि पासिंग ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज, फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज पास की जाएगी। अब एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करने के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आसानी से बनाया जा सकता है। उसके बाद सातवां स्टेप होगा क्लोजिंग ऑफ बुक्स, यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है इन दिस स्टेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल द लेजर अकाउंट्स आर क्लोज, यानी कि लेजर अकाउंट्स क्लोज कर दिए जाएंगे। उसके बाद आठवां और जो फाइनल स्टेप होगा हमारा वो है ड्राफ्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये लास्ट डेट है अकाउंटिंग साइकिल का और इसमें क्या किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस, कुछ इस तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं जो प्रिपेयर की जाती हैं। और इस तरह से हमारा अकाउंटिंग साइकिल का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। देन कम्स अकाउंटिंग इक्वेशन। अब आपकी बुक में डेफिनेशन भी दे रखी है, द अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटर रिलेशनशिप अमंग थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज और इक्विटी। तो बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है जिसमें एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी होती है। अब ये स्टेटमेंट स्क्रोल डाउन करने पर आपको बुक में दी भी गई है। अब इस इक्वेशन को ना एक एग्जाम्पल के जरिए से समझाया गया है, चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन दे रखी है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर इन कैश, यानी कि ओनर के द्वारा पैसा लगाया गया बिजनेस में। तो इससे क्या होगा, हमारी कैश तो इंक्रीज होगा यानी एसेट इंक्रीज होगी और कैपिटल भी इंक्रीज होगी। तो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि दोनों साइड्स का इक्वल होना चाहिए, एसेट्स या एसेट्स भी बढ़ रही है हमारी और दूसरी साइड लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू ये भी। अब तीसरी ट्रांजेक्शन बड़ी ध्यान से देखिएगा, सेल ऑफ गुड्स इन क्रेडिट, यानी कि उधार पर सामान बेचे। अब दोनों ही ट्रांजेक्शन एक ही तरफ आ रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनका बैलेंस मैच हो जाएगा क्योंकि एक चीज बढ़ रही है और एक चीज कम हो रही है, यानी कि सबसे ऊपर देखें तो एसेट इंक्रीज हो रहे हैं और एसेट ही डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि एक वैल्यू बढ़ रही है और एक वैल्यू कम हो रही है, तो बैलेंस इनका मैच कर जाएगा। सेम अगली ट्रांजेक्शन में भी है, वेजेस पेड, वेजेस यानी एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और कैश या बैंक की वैल्यू जो है कम हो रही है। उसके बाद है कमीशन रिसीव। अब इसमें क्या है, कैश की वैल्यू बढ़ रही है और रेवेन्यू की वैल्यू भी बढ़ रही है दूसरी साइड, यानी कि दोनों का बैलेंस इक्वल मैच हो रहा है। लास्ट है कैश विदड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, यानी कि ओनर के द्वारा पैसा निकाला गया। तो अब इसमें कैश तो कम हो जाएगा और दूसरी तरफ क्या है, कैपिटल कम हो जाएगी, यानी कि दोनों का बैलेंस इक्वल मेंटेन हो जाएगा। तो हमें बस यही करना है कि दोनों साइड बैलेंस को इक्वल मेंटेन रखना है, तभी जो है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन परफेक्ट बनेगी। अब एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर ले अमाउंट के साथ। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपके सामने है। सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, ये लिखी है इन्वेस्टेड कैपिटल इन द फॉर्म 20,000, यानी कि बिजनेस में 20,000 रुपये लगाए गए हैं।
अब इसका क्या आंसर होगा, तो थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, वैसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, एसेट बढ़ रही है और दूसरी तरफ क्या है, इक्विटी बढ़ रही है, यानी कि दोनों तरफ बैलेंस इक्वल हो रहा है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम दास एंड कंपनी फॉर 2000, यानी कि हमने 2000 के गुड्स खरीदे हैं। तो एक तरफ तो हमारा एसेट भी बढ़ रहा है और दूसरी तरफ लाइबिलिटीज बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर रिवाइज इक्वेशन इन्होंने लिख दिया टोटल करके, दोनों तरफ 22000 और 22000 इक्वल अमाउंट जो है आ रही है। अब जो तीसरी ट्रांजेक्शन है ये है बोट प्लांट फॉर कैश, यानी कि एसेट खरीदिया हमने और कैश गया है। अब कैश भी तो एक एसेट ही है, यानी कि 8000 की वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी और 8000 की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि जीरो बैलेंस दोनों तरफ आ जाएगा और दोनों तरफ बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेस्ड गुड्स फॉर कैश। अब ये चीज़ है, अब हमारे पास गुड्स आई है 4000 की, यानी एसेट, और सेम वैसे ही कैश गया है, दोनों तरफ बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश जिसकी कॉस्ट है 4000 और प्रॉफिट है 2000, यानी कि 6000 में हमने सामान बेचा है, तो 6000 रुपये हमारे पास कैश आ जाएंगे और 4000 रुपये हमारे पास डिडक्ट हो जाएंगे। और दूसरी तरफ बात करें इक्विटी की, तो उसमें 2000 रुपये ऐड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो है पेड टू दास एंड कंपनी 1000। अब क्योंकि ये हमारे क्रेडिटर थे तो हमारा 1000 तो एसेट कम हो जाएगा और दूसरी तरफ क्या है, हमारी 1000 की लाइबिलिटी भी जो है कम हो जाएगी। अब अगली ट्रांजेक्शन देखें तो ये है रिसीव फ्रॉम बीप एनर्जी ₹300। तो 300 रुपये तो हमारे पास कैश आया है तो हम इसको एसेट में ऐड कर देंगे और 300 रुपये एसेट गई है तो उसको डिडक्ट कर देंगे। उसके बाद है 6000 की सैलरी आपने पे किया है तो इसको तो कैश में से माइनस कर देंगे और दूसरी तरफ कैपिटल में से भी 6000 माइनस कर देंगे। फिर है रिसीव्ड इंटरेस्ट 5000 का, तो 5000 हमारे एसेट में ऐड होगा और 5000 ही कैपिटल में ऐड होगा, दोनों तरफ बैलेंस देखें तो इक्वल आ जाएगा। अब जो लास्ट हमारी ट्रांजेक्शन है इसे भी देख लेते हैं, ये है पेड वेजेस फॉर ₹3000। तो देखिए सबसे पहले तो 3000 आपने वेजेस पे किए हैं तो ये तो आपके कैश में से डिडक्ट होंगे और दूसरी साइड कैपिटल में से भी 3000 डिडक्ट होंगे और फाइनल में हम देखें तो दोनों तरफ 19000 और 19000 इक्वल अमाउंट आ रही है। डबल एंट्री सिस्टम, तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज एन अकाउंटिंग सिस्टम विच रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स डेबिट एंड क्रेडिट, यानी कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं डेबिट और क्रेडिट। बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि दोनों ही एस्पेक्ट्स जो हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर इसके फीचर्स और लिमिटेशंस भी हैं दे रखी हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने रेलिवेंट नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको पता है कि डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था तो उनका नाम कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो बस यही था आपका टॉपिक, यहाँ पर यह टॉपिक खत्म हो जाते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस जर्नल एंड लेजर। जर्नल की सबसे पहले तो डेफिनेशन समझते हैं। इट इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन क्रोनोलॉजिकली एंड इन डिटेल वेरियस ट्रांजेक्शन, यानी कि जर्नल एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है जिसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन ए जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजेशन, यानी कि जिस प्रोसेस में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है उस प्रोसेस को हम जर्नलाइजेशन कहेंगे। अब जर्नल के तीन फंक्शन होते हैं, वैसे तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हम इनके नाम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है हिस्टोरिकल फंक्शन, दूसरा है एनालिटिकल फंक्शन और तीसरा है रिकॉर्डिंग फंक्शन। तो अब जो हमने मेन चीज करनी है वो ये है कि जर्नल का परफॉर्मा देखेंगे। तो यहाँ पर जर्नल का परफॉर्मा आपके सामने मैंने बना दिया है। तो सबसे पहले इस बॉक्स में हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। उसके बाद यहाँ पर आएगा जो हमने खाली कॉलम छोड़ा है इसमें आएगा LF, LF को हम बोलेंगे लेजर फोलियो। और यहाँ पर आएगी हमारी डेबिट की अमाउंट और यहाँ पर आएगी हमारी क्रेडिट की अमाउंट। और जो ये फर्स्ट कॉलम है इसमें हम लिखेंगे डेट। तो कुछ इस तरह से हमारी ट्रांजेक्शन बनेगी। जब हमने डेबिट की ट्रांजेक्शन करनी है तो उसके आगे हमें लिखना है DR, ध्यान रहे ये लिखना जरूरी है। और इसके सामने हम डेबिट के नीचे डेबिट की अमाउंट लिखेंगे और क्रेडिट के नीचे क्रेडिट की अमाउंट लिखेंगे और एट द एंड जो है उनका टोटल देखेंगे। सिंपल वर्सेस कंपाउंड एंट्री। सिंपल एंट्री की अगर बात करें तो ये होगी कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि बेसिकली ये कहना चाहता है कि सिंपल एंट्री में बस दो ही अकाउंट आएंगे, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। लेकिन जब हम कंपाउंड एंट्री देखेंगे तो ये देखिए किस तरह से बन रही है,
यहाँ पर सैलरी अकाउंट को डेबिट किया गया है, फिर रेंट अकाउंट को डेबिट और फिर टू कैश अकाउंट क्रेडिट, यानी कि इसमें दो से ज्यादा अकाउंट बन रहे हैं, इसलिए इसको कंपाउंड एंट्री कहेंगे। अब आपकी स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल आ रही होगी, आपको इसे ध्यान से देखना है, तो हम इनकी जनरल एंट्रीज बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप पॉइंट नंबर वन पढ़िए, इसमें क्या लिखा है। मिस्टर विकास एंड मिसिज वैभवी हु आर हस्बैंड एंड वाइफ स्टार्टेड बिजनेस बाय ब्रिंगिंग इन देयर पर्सनल कैश ऑफ 5 लाख एंड 2,50,000। इसका मतलब यह है कि बिजनेस में पैसा आया कितना, 7,50,000, तो हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे 7,50,000 से, 7,50,000। अब दोनों ने कितना कितना पैसा लगाया है उनके नाम से उनका कैपिटल अकाउंट बना देंगे। तो मिस्टर विकास ने पैसा लगाया है 5 लाख, तो मिस्टर विकास के सामने हम 5 लाख लिख देंगे, और वैभवी जी ने लगाया है 2.5 लाख, तो इनके सामने 2.5 लाख रुपए लिख देंगे। उसके बाद दूसरी एंट्री जो है वो देखिए 10 तारीख की है, तो यहाँ पर क्या है, बोट फर्नीचर फॉर कैश 25,000, यानी कि हमारे पास आया क्या है, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और गया क्या है, कैश, टू कैश अकाउंट कर देंगे, और इसके सामने अमाउंट कितनी है, 25,000। तीसरी एंट्री पढ़िए जो 11 तारीख की है, इसमें है ओपन ए करंट अकाउंट विद पीपी नेशनल बैंक बाय डिपॉजिटिंग 1 लाख रुपीज। तो सबसे पहले तो हमारा गया क्या हमने वो देखना है, अगर कैश गया है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट 1 लाख, और किस में गया है, बैंक में, तो लिख देंगे पीपी नेशनल बैंक 1 लाख। अब यहाँ पर खाली बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं। उससे अगली एंट्री है 15 तारीख की, जिसमें है पेड ऑफिस रेंट ऑफ 15,000 फॉर मंथ बाय चेक टू MS रिटेलर प्रोप्राइटर्स। तो सबसे पहले तो ये हमारा खर्चा है रेंट, तो आपको पता ही होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये गोल्डन रूल तो आपको पता ही होगा। तो रेंट हमारा एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 15,000 से, टू किस में गया है, बैंक में, तो बैंक का नाम ले लेंगे टू पीपी नेशनल बैंक 15,000। अब ये वाली एंट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, ये देखिए इसमें बता रहा है बोट ए मोटर कार वर्थ 4,50,000, यानी कि 4,85,000 की तो हमने मोटर कार खरीदी। तो जो आपको सबसे पहले समझ आ रहा है ना आपने वो लिख देना है। तो मुझे ये समझ आ रहा है कि मेरे पास मोटर कार आई है जिसकी वैल्यू है 4,50,000 रुपये। उसके बाद ये कह रहा है कि आपने 50,000 रुपये डाउन पेमेंट की है चेक के द्वारा बाय पीपी नेशनल बैंक, तो हम यहाँ पर बैंक का नाम लिख देंगे और 50,000 जो हमने चेक से पेमेंट किया है वो लिख देंगे। और वो बता रहा है कि जो बैलेंस अमाउंट है वो आपने लोन करवाया है फ्रॉम HH बैंक, तो हम यहाँ लिख देंगे टू लोन फ्रॉम HH बैंक, और जितने भी रिमेनिंग अमाउंट है यानी कि 4 लाख रुपए। अब अगली एंट्री पढ़िए क्या है, विकास एंड वैभवी कैरिड आउट ए कंसल्टिंग असाइनमेंट फॉर AA फार्माक्यूटिकल्स एंड रेज द बिल ऑफ 10 लाख, यानी कि सबसे पहले तो इनको 10 लाख रुपए की इन्होंने फीस रेज की है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू कंसल्टेंसी फीस 10 लाख रुपए। अब एक्चुअल में 10 लाख में से हमें रिसीव कितने हुए हैं वो देखिए, तो उन्होंने क्या लिखा है, A1 फार्माक्यूटिकल्स हैव इमिडिएटली सेटल्ड 2,50,000 बाय वे ऑफ चेक, यानी कि 2.5 लाख रुपए तो बैंक के द्वारा हमें आ गए हैं, तो यहाँ पर 2,50,000 जो है डेबिट कर देंगे। लेकिन लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसके नीचे क्या लिखा है, एंड बैलेंस विल बी पेड आफ्टर 30 डेज, यानी कि बैलेंस जो है वो 30 डेज बाद पे होगा, अभी रिसीव नहीं हुआ, तो अभी हम उसकी एंट्री बैंक से नहीं करेंगे बल्कि AA फार्माक्यूटिकल्स के नाम से करेंगे। तो AA फार्माक्यूटिकल्स अकाउंट डेबिट 7,50,000, और नीचे जो हमारा टोटल हमने 10 लाख रुपए लिख दिया था। अब अगली एंट्री भी आप देख लीजिए, अगली एंट्री क्या है हमारे सामने, सैलरी ऑफ वन रिसेप्शनिस्ट एट द रेट 5,000 पर मंथ एंड वन ऑफिसर ऑफ 10,000 पर मंथ, यानी कि एक रिसेप्शनिस्ट की सैलरी 5,000 रुपये पर महीना है और एक ऑफिसर की सैलरी 10,000 रुपये पर महीना है। द सैलरी फॉर द करंट मंथ इज पेबल टू देम। अब इन दोनों को सैलरी देनी है, तो ये तो बहुत ही आसान है, सिंपल, आपको सैलरी अकाउंट टू सैलरी पेबल अकाउंट को डेबिट कर देना है। तो सैलरी अकाउंट हमारा होगा 15,000 से, यहाँ पर जो दोनों की अमाउंट आ रही है टू सैलरी पेबल अकाउंट, इसमें कर देंगे 1,500, तो इस तरह से डेबिट और क्रेडिट की वैल्यू इक्वल आ गई है। तो बस यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब जनरल के भी आगे दो डिविजन्स होते हैं, एक तो स्पेशल और एक जनरल। अब स्पेशल जनरल में क्या होंगे, पहले नंबर पे तो कैश बुक, बैंक बुक, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक। अब चलिए इनको इन डिटेल में समझते हैं। अब सबसे पहला तो है कैश बुक।
तो कैश बुक इज ए स्पेशल जर्नल विच इज मेंटेन्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व कैश, वेदर कैश इनफ्लोस और आउटफ्लोस। यानी कि कैश बुक वो होती है जिसमें कैश के रिलेटेड सारी एंट्रीज की जाती हैं। अब अगर आपको कैश बुक का फॉर्मेट समझना है तो मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है कैश बुक का फॉर्मेट, आप इसे देखकर समझ सकते हैं। दूसरे नंबर पर है बैंक बुक। तो बैंक बुक इज ए स्पेशल जर्नल नॉर्मली मेंटेन्ड इन एंट्रीज विद ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अफेक्टेड थ्रू चेक्स, ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब जैसे कैश बुक में कैश के रिलेटेड हमने एंट्रीज की थी, तो बैंक बुक में हम क्या करेंगे, बैंक के रिलेटेड जो एंट्रीज हैं वो सारी करेंगे। फिर तीसरे नंबर पर परचेज बुक। ये तो नाम से ही पता लग रहा है कि जो भी हमने क्रेडिट पर परचेजेस किए हैं उनकी एंट्रीज करेंगे, और सेल्स बुक जो हमने क्रेडिट पर सेल्स करी हैं उनकी एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। अब परचेजेस का उल्टा होता है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न के लिए भी एक स्पेशल बुक बना रखी है, और एक होता है सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न के लिए जो बुक बनाई जाती है उसे कहते हैं रिटर्न इनवर्ड बुक, और जो परचेज रिटर्न मैंने बताया उसको कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड बुक। तो उसके बाद आती है बिल रिसीवेबल बुक। तो बिल रिसीवेबल बुक क्या होता है, तो बिल रिसीवेबल बुक इज यूज टू रिकॉर्ड द बिल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। यानी कि डेटर से जो बिल रिसीव हुए हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए बुक को बिल रिसीवेबल बुक कहा जाता है, और इसका ओपोजिट हो जाएगा बिल्स पेबल बुक, नाम से ही पता लग रहा है। बिल पेबल बुक इज यूज टू रिकॉर्ड बिल एक्सेप्टेड बाय अस, यानी कि जो हमने बिल एक्सेप्ट किए हैं उसके लिए एक बुक बनाई जाएगी जिसे कहेंगे बिल्स पेबल बुक। अब सेल्स बुक कैसे बनेगी, चलिए उसे भी समझ लेते हैं एक एग्जांपल के जरिए से। तो आपकी स्क्रीन पर इलस्ट्रेशन नंबर 14 आ रही होगी। पहली ट्रांजेक्शन पढ़िए क्या लिखी है, सोल्ड टिप टॉप क्लॉथिंग 50 सूट्स ऑफ 2200 ईच ऑन 2 months क्रेडिट। तो हम इसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये क्रेडिट पर है। तो ध्यान रहे इनवॉइस नंबर सामने लिखना भी जरूरी है, और जो चीज कैश पर सेल होगी उसको रिकॉर्ड नहीं करना। और जब हम कॉलम बनाएंगे तो इनवॉइस का नंबर लिखना बहुत जरूरी है, और डेट भी लिखेंगे। उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, यहाँ पर है सोल्ड टू न्यू इंडिया 100 स्वेटर्स एट द रेट 250 ईच। तो हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और इसको भी नोट डाउन कर देंगे। उसके बाद तीसरी ट्रांजेक्शन देखिए, तीसरी ट्रांजेक्शन को मैंने सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। आप बताइए क्यों नहीं किया, क्योंकि ये हमारे को रिसीव्ड ऑर्डर हुआ है, हमने क्रेडिट पर सेल नहीं करी, इसलिए हम इसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चौथी एंट्री है जो लुकंड ब्रदर्स वाली, जो है 50 साड़ीज एट द रेट 750 ईच, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। और लास्ट एंट्री जो है सोल्ड टी शर्ट्स एट एग्जीबिशन हॉल फॉर कैश 7500, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि एग्जीबिशन हॉल को दी गई है और कैश पर दी गई है, हमें सिर्फ क्रेडिट सेल्स को ही रिकॉर्ड करना है। तो बस आप ये चीज ध्यान में रखें कि जो सेल हमने क्रेडिट पर करी है सिर्फ उसी को सेल क्रेडिट बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अब लेजर के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। आफ्टर रिकॉर्डिंग ईच ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ जर्नल द नेक्स्ट थिंग इज टू क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू द अकाउंट्स अफेक्टेड। यानी कि जर्नल के एंट्री डालने के बाद हम उनको लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। ऑल सिमिलर ट्रांजेक्शन मस्ट बी ब्रॉट टुगेदर, फॉर इंस्टेंस ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू क्रेडिट परचेज मस्ट बी पुट इन वन प्लेस। यानी कि जो सेम कैटेगरी की एंट्रीज होंगी ना उनको सेम अकाउंट में डालेंगे, उसी को कहेंगे लेजर अकाउंट। अब लेजर का फॉर्मेट बनाना बड़ा ही आसान है, ये जर्नल में से ही बनेगा। तो जर्नल में से हम पहले तो पर्सन का सेपरेट अकाउंट उठाएंगे, जैसे सैलरी हो गया या किसी भी पर्सन का नाम हो गया। सपोज मैंने यहाँ पर रमेश का अकाउंट बनाया है, तो रमेश के रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज आएंगी वो सारी इसी में आएंगी। तो बाकी सारा कॉलम सेम ही होगा, डेट पर्टिकुलर्स, और जहाँ पर हम जनरल में लेजर फोलियो लिखते थे यहाँ पर हम जेएफ लिखेंगे, यानी जनरल फोलियो, फिर अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर जनरल फोलियो और अमाउंट। तो यहाँ पर आएंगी डेबिट वाली ट्रांजेक्शन और यहाँ पर आएंगी क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शंस। अब सब डिविजन्स ऑफ लेजर की बात कर लेते हैं कि लेजर के आगे कितने पार्ट होते हैं। तो दो तरह के हैं, पर्सनल लेजर और इम्पर्सनल लेजर। पर्सनल लेजर में कौन से होंगे, डेटर्स लेजर और क्रेडिटर्स लेजर। और इम्पर्सनल लेजर में कौन से होंगे, कैश बुक एंड बैंक बुक, और दूसरा कौन सा होगा, जनरल लेजर। तो डेटर्स लेजर कौन से होंगे, द लेजर वेयर द डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन अबाउट द पर्संस टू हुम गुड्स आर सोल्ड, कैश इज रिसीव्ड आर कॉल्ड डेटर लेजर। और क्रेडिटर लेजर कौन से होंगे, जहां हमने पर्सन को गुड्स सेल किए हैं वहां पर हम क्रेडिट लेजर बनाएंगे। उसके बाद है इम्पर्सनल लेजर, इसके दो थे, कैश बुक और बैंक बुक, ये तो आपको पता ही होगा, हम पहले समझ चुके हैं। दूसरा समझिए जनरल लेजर कौन सा है, द लेजर वेयर ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स एंड पर्सनल अकाउंट अदर देन ट्रेड क्रेडिटर्स एंड ट्रेड डेटर्स आर रिकॉर्डेड, उसे कहेंगे जनरल लेजर। अब जनरल लेजर के भी दो होंगे, नॉमिनल और पर्सनल। तो अब 1.6 जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कैश बुक।
पेटी कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो हम कैश बुक की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कैश बुक इज बोथ अ जर्नल एंड लेजर अकाउंट। कैश बुक एक जर्नल और लेजर अकाउंट दोनों ही होता है। वैसे तो मैंने कैश बुक पहले आपको समझा दिया है, लेकिन हम दोबारा से पढ़ रहे हैं इसको। इट इज ए सेपरेट बुक टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन ओनली। यानी कि एक वो वाला अकाउंट होता है जिसमें सिर्फ कैश से रिलेटेड एंट्रीज पास की जाती है। अब कैश बुक कितने टाइप की होती है? तो कैश बुक होती है दो टाइप की, रेगुलर और पेटी कैश बुक। जो सिंगल और डबल कॉलम की कैश बुक होगी वो तो हमारी आएगी रेगुलर कैश बुक में, लेकिन जिसमें ट्रिपल कॉलम होंगे और या मल्टी कॉलम होंगे वो हमारी आएगी पेटी कैश बुक में। अब भैया पेटी कैश बुक क्या होता है? तो ए पेटी कैश बुक इज जनरली मेंटेन ऑन अ कॉलमनर बेसिस, सेपरेट कॉलम बीइंग क्रिएटेड फॉर ईच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। यानी कि होती तो ये कैश बुक ही है, लेकिन कैश बुक का एक टाइप है जिसमें हर एक्सपेंस के लिए अलग अलग कॉलम बनाए जाते हैं, अलग अलग कॉलम। हाँ, अब आपकी स्क्रीन पर पेटी कैश बुक का फॉर्मेट शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं किस तरह से हमने अलग अलग खर्चे के लिए अलग अलग कॉलम बना रखे हैं। उसके बाद पढ़िए क्या लिखा है। द क्रेडिट साइड कंसिस्ट ऑफ सेवरल कॉलम्स इंक्लूडिंग ए टोटल कॉलम। यहाँ पर टोटल कॉलम भी बना रखे हैं। ईच पेमेंट मेड बाई पेटी कैशियर इज एंटर्ड ऑन दिस साइड ट्वाइस। अब पेटी कैश बुक के भी दो टाइप होंगे, कौन से कौन से? पहला तो है ट्रिपल कॉलम कैश बुक और दूसरा है मल्टी कॉलम कैश बुक। अब दोनों ही आपके स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। सबसे पहले हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक की बात करें, तो नाम से ही पता लग रहा है ट्रिपल कॉलम। तो इसमें तीन कॉलम आएंगे, पहला कैश का, दूसरा बैंक का और तीसरा डिस्काउंट का, बाकी सारा ऑलमोस्ट सेम रहेगा। लेकिन जो मल्टी कॉलमनर कैश बुक की बात करें, इसमें मल्टी कॉलम्स आएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन का, डोनेशन का, एक्सेट्रा। तो इस तरह से इसको मल्टी कॉलम पेटी कैश बुक कहा जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जिन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, उन टॉपिक्स के नाम हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, 1.7 ट्रायल बैलेंस एंड 1.8 एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड रेस्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो आप अगली वीडियो को मिस मत कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ऑल का आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।